तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार फिर से हम लोग रिविजिट कर लें कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था कि ऑर्डर डॉट सी एस वी फाइल, ये हमारा इनपुट फाइल है, ये कोई थर्ड पार्टी जनरेट करती है। ये फाइल कोई थर्ड पार्टी जनरेट करती है जो हमें मिलता है और हमें उस पर प्रोसेस करना है। उस फाइल को हमने ये देखा कि उसमें कितने फील्ड्स हैं, तो देखा कि भाई इसमें चार फील्ड्स हैं, उसके अंदर जो डेटा है वो इस तरह का है। उसमें ऑर्डर स्टेटस एक फील्ड है, उसमें ऑर्डर आईडी भी एक फील्ड है, जिसपे कि हमें कुछ फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाना है कि पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी अगर हो या कोई रेंज हो, उससे अगर बाहर ऑर्डर आईडी है तो उस फाइल को हम एक्सेप्ट ही नहीं करें, उस पूरे फाइल को एक्सेप्ट नहीं करें। और ऑर्डर स्टेटस पे ये दिखाना है कि हमारे पास जो वैलिड ऑर्डर स्टेटस है, उस ऑर्डर स्टेटस में अगर वो फाइल है तो ओके है, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड कर दें, उस पूरे फाइल को ही डिस्कार्ड कर दें। तो हमें फाइल को रिसीव करने से पहले कुछ फिल्टर्स लगाने, और म्यूट कर लो, हर कोई म्यूट कर लो। तो वो फाइल जो हमें मिलने वाला है वो ऑर्डर डॉट सी एस बी है, और हमें फिल्टर जो लगाना है वो पहला कॉलम ऑर्डर आईडी का है और दूसरा कॉलम ऑर्डर स्टेटस का है। ऑर्डर आईडी पे ये लगाना है कि कोई रेंज होगा ऑर्डर आईडी का, उस रेंज पे, रेंज से बाहर अगर हमें ऑर्डर आईडी मिलता है तो हम उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऑर्डर स्टेटस की एक लिस्ट हमें दी हुई है, उस लिस्ट से बाहर अगर ऑर्डर स्टेटस का वो सीएसवी फाइल होता है तो वो फाइल फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब ये देखना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि ऑर्डर स्टेटस का क्या, वो लिस्ट क्या है, वैलिड स्टेटस की लिस्ट कहाँ पे है। तो वैलिड स्टेटस की लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस डॉट सी एस बी नाम की एक फाइल मिली है हमें, जिसमें कि ये वैलिड स्टेटस हमें दिया हुआ है, क्लोज्ड पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट पेंडिंग अंडरस्कोर पेमेंट, ये वैलिड स्टेटस है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टेटस आता है, मान लो कि अगर ये स्टेटस आता है हमारे पास फोर कुछ ब्ला ब्ला, और यहाँ पे आता है मान लो क्लोज, तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा ये फाइल? ये तो है ही, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये देखो दोनों इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर स्टेटस है वो क्लोज है, और जबकि वैलिड स्टेटस क्या है? क्लोज्ड। तो ये दोनों 3 और 4 नंबर की वजह से ये पूरा का पूरा फाइल ही डिस्कार्ड हो जाएगा। इवन कि अगर ये 4 नंबर नहीं भी होता तो 3 नंबर का जो ऑर्डर स्टेटस है वो इनवैलिड है, सो दैट्स वाई दिस फाइल विल बी डिस्कार्डेड कंप्लीटली। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, हमने बिजनेस लॉजिक लिखा है। बिजनेस लॉजिक में ये है कि ऑर्डर स्टेटस फाइल कंटेंट इज डायनामिक, मतलब कहने का ये है कि ये जो ऑर्डर स्टेटस जो हमें दिया हुआ है ये कल होके चेंज भी हो सकता है। वैलिड ऑर्डर स्टेटस आज के डेट में ये सब है, कल के डेट में ये चेंज भी हो सकता है, कुछ आगे इसमें ऐड हो सकते हैं या कुछ डिलीट हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। दैट मीन्स दिस फाइल शुड बी डायनामिक। डायनामिक मीन्स वी कैन ऐड सम वैल्यू इन दैट फाइल और वी कैन डिलीट सम वैल्यू फ्रॉम दिस फाइल, इसलिए डायनामिक। कंडीशंस क्या है हमारे उस फिल्टर पे, उस फिल्टर को लगाने के लिए? फिल्टर किस पे लगना है हमारा? ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगना है और दूसरा फिल्टर लगना है ऑर्डर स्टेटस पे। तो फिल्टर है हमारा इस तरह से, अगर ऑर्डर स्टेटस वैलिड है, यानी कि जो लिस्ट ऊपर दिया हुआ उसमें से अगर कोई ऑर्डर स्टेटस है तो फिर वो वैलिड है, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पूरे फाइल को स्टेजिंग फोल्डर में डाल देंगे, सेंड टू स्टेजिंग फोल्डर, और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको डिस्कार्ड फोल्डर में डाल देंगे। फिर ऑर्डर आईडी देखेंगे कि रेंज जो हमने दिया है उस रेंज में अगर है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और स्टेजिंग फोल्डर में डाल देंगे, अगर नहीं है तो उसको डिस्कार्ड फोल्डर में डाल देंगे, है ना? यानी कि ये हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक हो गया। बिजनेस लॉजिक में किसी का कोई सवाल है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे
दो दो जगह हम लोग फिल्टर लगा रहे हैं, दोनों सेम ये फील्ड में, ये अलग अलग फील्ड पे। तो सपोज कभी ऐसा होगा कि हमारा ऑर्डर स्टेटस वैलिड हो जाए और ये ऑर्डर आईडी इनवैलिड हो जाए, या फिर दोनों अल्टरनेट, कभी ये वैलिड हो जाए वो इनवैलिड हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात बोले, बहुत सही क्वेश्चन तुम्हारा। तो इस केस में क्या करेंगे कि ऑर्डर स्टेटस पे लगाया हमने, मान लो कि वहाँ वैलिड निकला वो, ठीक ना, फिर ऑर्डर आईडी देखा वो इनवैलिड निकला, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर। तो ये बात तुम सही बोलो कि यहाँ पे ही डायरेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारा कंडीशन ही गलत लिखा हुआ है। बहुत सही बात बोले तुम, यहीं पर हम उसको स्टेजिंग फोल्डर में नहीं डालेंगे, हम दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी हम स्टेजिंग फोल्डर में हमें डालना चाहिए, अदरवाइज हमें उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लो जी तुम जैसा कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्डर स्टेटस किसी का वैलिड है लेकिन ऑर्डर आईडी इनवैलिड है, तो क्या करेंगे। तो ऑर्डर स्टेटस की वजह से तुमने तो उसको एक्सेप्ट फोल्डर में डाल दिया, स्टेजिंग फोल्डर में डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको डिस्कार्ड कैसे करोगे, है ना। तो ये दोनों दोनों ही कंडीशन हमको एट ए टाइम यानी सेम टाइम पे चेक करना पड़ेगा, यानी कि इस कंडीशन को हमें ऐसा लिखना चाहिए, इज वैलिड एंड देन एक्सेप्ट, ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ यही एक ही लाइन में दोनों चेक कर रहे हो, तो तुम ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर रहे हो वैलिड है कि नहीं, एंड ऑर्डर आईडी भी चेक कर रहे हो कि 100 से ऊपर वैलिड है कि, और जब दोनों ट्रू है तब उसको स्टेजिंग फोल्डर में डालो, इल्स डिस्कार्ड कर, ठीक है। बिल्कुल सही कर, चलो और कोई सवाल। बिजनेस लॉजिक पे कोई और सवाल है तो पूछो, इस पे कोई डिस्कशन करना है तो करो। यानी कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबके लिए क्लियर है ना। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। हाँ बोलो, कोई सवाल है तो। नहीं, नहीं सर, हाँ ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। सॉल्यूशन में यही है हमारे पास कि सबसे पहले हमें स्टोरेज क्रिएट करना है, क्योंकि डेटा तुम रखोगे क्या, सबसे पहले डेटा को इनवैलिड बताओ या वैलिड बताओ, पहले आने तो दो, पहले डेटा तुम्हारे पास आएगा चेक करोगे, उसके बाद ही फिर उसको स्टेजिंग फोल्डर में या डिस्कार्ड फोल्डर में डालोगे, पहले तुम्हारा प्लेसमेंट फोल्डर में वो डेटा आएगा। तो डेटा आएगा जहाँ पे वो रहेगा और जहाँ पे ये सारे फोल्डर्स बनेंगे तरह तरह के, डिस्कार्ड का, एक्सेप्ट का, तो स्टोरेज हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोरेज क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एजोर डेटा लेक सर्विस Gen 2, इसमें हम जाके स्टोरेज क्रिएट करेंगे, और फिर वहां पे हम जाके सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर कंटेनर क्रिएट करेंगे, और तब हम वहां पे जाके ये तीन फोल्डर्स बनाएंगे, कौन कौन सा, स्टेजिंग का, डिस्कार्ड का और प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट वो फोल्डर है जहां पे सर्वप्रथम फाइल आएगा तो रहेगा, सर्वप्रथम फाइल वहीं पे जाके रहेगा, फिर वहां से तुम्हारा वो फाइल बिजनेस लॉजिक फिल्टर करेगा, और अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको स्टेजिंग फोल्डर में डालेगा, और अगर रिजेक्ट करता है तो उसको डिस्कार्ड फोल्डर में डालेगा, लेकिन सर्वप्रथम फाइल वो घिरेगा यहीं पे, प्लेस यहीं पे होगा प्लेसमेंट। उसके बाद उसके दो रास्ते हैं, या तो स्टेजिंग पे जाएगा या डिस्कार्ड पे जाएगा, ना। तो ये फोल्डर तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, फोल्डर क्रिएट करने से पहले तुम्हें एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, और कंटेनर क्रिएट करने से पहले तुम्हें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करना पड़ेगा। फिर बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए डेटाबेस का सहारा लेना पड़ेगा, ये स्टेप 1 2 3, ये तो हो गया तुम्हारे फाइल स्टोर करने का काम, यहाँ पे फाइल आके रहेगा, लेकिन जो फिल्टर करने का बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ पे लिखोगे, वो लिखोगे तुम पुराना जो अपना साथी है यानी डेटा ब्रिक्स, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम से स्पार्क में लिख के आए हैं, वहीं पे जाके हम लोग पुनः
अपना बिजनेस लॉजिक वहां पे लिखेंगे। तो डेटा ब्रिक्स में लिखने के लिए एज्योर के साथ डेटा ब्रिक्स आता है, यानी एज्योर में भी तुम डेटा ब्रिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सर्विस ले सकते हो। उसको कहते हैं हम लोग कि एक वर्क स्पेस हमें बनाना पड़ेगा एज्योर में, एज्योर डेटा ब्रिक्स का, है ना। ये एज्योर डेटा ब्रिक्स का एक अकाउंट तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि वर्क स्पेस बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कि तुम अपने डेटा ब्रिक्स का प्रोग्राम, डेटा ब्रिक्स में प्रोग्राम लिख सकते हो बस, यानी कि फैसिलिटेट करेगा नोटबुक वगैरह जिसमें कि तुम अपने बिजनेस लॉजिक को लिखोगे। उसके बाद ये दो चीज अलग अलग हो गए हमारे, एक तो ये स्टोरेज हो गया और दूसरा स्टेप चार में डेटा ब्रिक्स बन गया हमारा। यानी कि यहाँ पे चार में हमने एक बिजनेस लॉजिक लिख दिया और डेटा हमारा लाइन नंबर 34 से लाइन नंबर 36 में जो हमने किया वो हमारा डेटा वहाँ पे बैठा है। अब डेटा एक एक तरफ है, दूसरी तरफ है हमारा बिजनेस लॉजिक, लेकिन दोनों को आपस में ब्रिज कौन करेगा? ऐसी कौन सी सर्विस होगी कि जैसे ही डेटा आएगा वैसे ही बिजनेस लॉजिक को ट्रिगर कर देगा? ऐसी कौन सी सर्विस होगी? उस सर्विस को हम लोग कहते हैं डेटा फैक्ट्री सर्विस। इसका काम ही है कानाफूसी करना, इधर कुछ देखा उधर जाके बताएगा, उधर जाके कुछ ट्रिगर करेगा। मीडिएटर ना सर? हाँ, मीडिएटर हुआ ना सर? मीडिएटर हुआ, या इधर की बात उधर करना, या ट्रिगर करना, या इवेंट जनरेट करना, जैसे सर्विस है एक तरह से, है ना। तो हाँ, मीडिएटर जैसे किन्हीं भी शब्दों में इसको बयान कर सकते हो। तो डेटा फैक्ट्री हमने एक बनाया, तो हमें एक डेटा फैक्ट्री बनाने की इसलिए ज़रूरत है। तो ये हमारे कितने कंपोनेंट्स हो गए? एक कंपोनेंट तो हमारा स्टोरेज का हो गया, और दूसरा कंपोनेंट हमारा डेटाबेस का हो गया, और तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया डेटा फैक्ट्री का, है ना। अब स्टोरेज में भी हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना, फिर उसके अंदर एक कंटेनर तैयार करना, फिर उसके अंदर ये तीन फोल्डर्स तैयार करना। तो चलो आज हम लोग वो करते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें चले, एज्योर खोले। तो ये है हमारा एज्योर और ये है हमारा होम पेज, है ना। होम पेज है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। रिसोर्स यानी कि ये टॉप अम्ब्रेला, यहाँ पे जो हमने लिखा है स्टोरेज अकाउंट, ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने से पहले तुम्हें एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? रिसोर्स अकाउंट, क्रिएट अ रिसोर्स, है ना। ये रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा सर्विस से पहले। यहाँ पे लिख दो स्टेप जीरो में क्रिएट सर्विस, क्रिएट अ रिसोर्स अकाउंट। सिंगल रहेगा, है ना, एक लार्जर एम्ब्रेला की तरह ये काम करेगा। तो चलो क्रिएट करते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं। नाम हर कोई बताएगा क्या नाम रखें। पहले स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें देखना सर्विस अकाउंट पहले पूछेगा, है ना। रिसोर्स ग्रुप, बार बार सर्विस कह रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जीरो क्रिएट रिसोर्स, है ना। देखना यहाँ पे रिसोर्स मांग रहा, रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है। हमारा रिसोर्स ग्रुप क्या है? हमारा डेटा स्टडी नाम का एक रिसोर्स ग्रुप हमने बना रखा है, ठीक है। इसका नाम भी यहाँ पे लिख दो,
रिसोर्स ग्रुप तुम्हारा क्या है? डेटा तो सर वो जो ड्रॉप डाउन है सर उसमें बाय डिफॉल्ट ए आएगा, ग्रुप सर क्रिएट करना पड़ेगा सर। क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करना, जैसे मान लो कि क्रिएट करना पड़ेगा ना। हाँ क्रिएट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो सर ऐसे तो अभी नहीं दिखा रहा। हाँ ये डेटा स्टडी मान लो कि तुम हटाना चाहते नहीं चाहते तो पहले क्रिएट न्यू कर लो, है ना। ओके सर, हाँ समझ गए। क्रिएट कर लोगे यहाँ पे तो जैसे ये डेटा एस टी यू टी आई स्टडी वन है ना, तुमने कर लिया तो ये क्रिएट कर देगा, ये तुम्हारा न्यू डेटा स्टडी वन है ना। रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं हम, देख लो ये फ्री ट्रायल में बन रहा है ना। बन के आ भी गया, समझ रहे हो बात, ये बन गया यहाँ पे देखो, ये आ गया ना ड्रॉप डाउन में। यस सर, हाँ इस तरह से ये आ भी गया। वन न्यू बना है तो ये क्या है, ये बना के और यहाँ पे तुम्हें ला के दे दिया। तुम्हें क्रिएट क्या करना है तो इसका क्या नाम तुमने रखा है, डेटा स्टडी वन है ना, ये न्यू वाला। अब स्टोरेज अकाउंट का क्या नाम देना चाहते हो बताओ, अभिषेक बताओ भाई। डेटा स्टोरेज ही बोल सकते हैं, डेटा स्टोरेज ठीक है। स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज क्या, डेटा स्टोरेज, हाँ तो ये नाम तो सर वो जो हमारा सोर्स है, जो क्लाइंट, जो जहां से हम लोग ले रहे हैं फाइल, उसके नाम पे रहेगा नहीं, ना, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए जिसका डाटा है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये रहेगा हमारे एंड पे, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए जिससे हाँ जिसका डाटा है। बिल्कुल, हाँ एकदम सही, तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो फाइल आने वाली है या आने वाला है उससे रिलीवेंट नाम रखें, ये कहना चाह रहे हो, बोलो क्लियर करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, आप क्या रही है सर? हाँ कहाँ गया अभिषेक? अभिषेक म्यूट पे हो तुम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट, ये तो यार नाम लिया हुआ है, क्या नाम रखें, वन कर दें क्या? ठीक है, स्टोरेज अकाउंट वन कर देते हैं, है ना, ये भी लिया हुआ है यार। बोलो चंदन, जल्दी जल्दी नाम बताओ यार, आशीष नाम बताओ भाई। लगा सर आगे में स्टोरेज को, पहले डेटा स्टोरेज लगा दीजिए सर, डेटा स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं डेटा स्टोरेज अकाउंट वन। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में चलते हैं हम लोग, सेंट्रल वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया सेंट्रल, सेंट्रल इंडिया है ना, ये हमारे सबसे नजदीक पड़ेगा, स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ये जनरल पर्पस V2 अकाउंट है ना, ये देखो सर ये सबसे नजदीक पड़ेगा सर, इससे क्या रिलेशन सर? हाँ इससे ये है कि थोड़ा नेटवर्क ओवरहेड कम होगा। अब ओके सर, जैसे मान लो कि हम यूएस के सर्वर पे डेटा रखेंगे तो ऑब्वियसली वो यूएस जाके वहाँ से फेच करके ही लाएगा, ओके ओके सर, है हाँ ना, कितने सारे नेटवर्क को पार करके जाएगा। और ओके ओके इंडियन इंडिया और इंडियन सब सब कॉन्टिनेंट में रहेगा या हमारे घर के पास रहेगा तो नेटवर्क कंजेशन होगा। ओके ये बन गया हमारा, ठीक है। अब चलो रिव्यू करें इसका,
छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। सर बोलो, ये रिसोर्स की क्यों जरूरत पड़ी सर यहाँ पे, उसका मतलब क्या रोल है रिसोर्स का? रिसोर्स का देखो, ये एजोर का अपना एक तरीका है कि हमें रखना तो सिर्फ डेटा है, हमें चाहिए तो सिर्फ फोल्डर, काम का तो सिर्फ मेरे फोल्डर है, ये जो हम लोग फोल्डर बना रहे हैं यही तो हमारे काम का है बस। लेकिन ये फोल्डर हम लोग ऑटोमेटिकली कहीं भी जाके रेंडमली नहीं क्रिएट कर सकते। वो अब जैसे मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ, तुम्हारे यहाँ से अगर मुझे मान लो कि एक कॉपी लेनी है तो एक प्रोसेस है, तुम मुझे पूरा प्रोसेस मेरे से फॉलो करवाओगे तभी जाके मेरी कॉपी तुम मुझे वापस दोगे। तुम बोलोगे कि सर पहले आप मेरे यहाँ आइए, आइए तो पहले गेट खोलिए, गेट खोल के बिल्डिंग में आइए, उसके बाद फिर आप मेरे रूम का दरवाज़ा खोलिए, खटखटाइए, नॉक कीजिए, फिर जब इंटर करूँगा मैं फिर तुम बैठ आओगे, फिर तब जाके मुझे कॉपी दोगे। वैसे भी हो सकता था तुम सीधे रोड पे आ जाओ और मैं कॉपी लूँ और चला जाऊँ। तो एजोर भी वही कहता है कि आपको अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले एक कंटेनर बनाइए, और अगर कंटेनर क्रिएट करना है तो आपको पहले स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, और स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो पहले आपको एक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये मैंडेटरी है सर, और ये एक रिसोर्स के अंदर मतलब हम हाँ स्टोरेज नंबर ऑफ स्टोरेज कर सकते हैं, फिर वो आप मल्टीपल बना सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है, और एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं, और मल्टीपल और एक कंटेनर के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। तो ये सब मैनेज करने का तरीका है ना। ओके सर, ठीक है, ताकि कल हो के अगर हम कुछ ढूंढना पड़े हमें तो झट से हमें पहले से पता हो कि अगर हमें सेल्स का ढूंढना है तो हमें पता है कि ये सेल्स जो प्रोजेक्ट था वो अमेरिकन एयरलाइंस के लिए हमने किया था। अब एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस जो रिसोर्स ग्रुप बना होगा उसको सिर्फ उसी को हिट करेंगे, और उसके अंदर हम सेल्स को ढूंढेंगे स्टोरेज अकाउंट में, उसके अंदर फिल सेल्स को ढूंढा, और उसके अंदर जितने फोल्डर्स होंगे वो मुझे पता है कि वो सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड ही हैं। तो मैनेज करना, उसमें सर्चिंग करना, उसको ढूंढना, बाद में रैंडम एक्सेस करना, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। ये मैनेज करने का एक तरीका है ना। हम बुक्स भी अगर रखते हैं, अलमीरा में भी तुम देखे होंगे कि हमने भाई कॉमेडी की एक बुक का एक अलग शेल्फ क्रिएट कर रखा है, स्टोरीज लव स्टोरीज की एक अलग सेल्फ क्रिएट कर रखी, हॉरर स्टोरीज की एक अलग सेल्फ क्रिएट कर रखी। तो अगर आज मेरा लव स्टोरी पढ़ने का मन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खाने में जाके वहां से कोई किताब उठाऊ, लाइब्रेरी में तुमने जैसे देखा हो, तो वही सब कुछ यहाँ पे मैनेज करने का तरीका है। जैसे हम हाई भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखा हमने कि पार्टीशन बाई का क्या फर्क है, पार्टीशन बाई अगर हम करते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं, मैनेज करना आसान होता है, उसमें फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। इंडिया के अगर कंट्री नाम का कॉलम है तुम्हारे टेबल में और उसमें तुमने पार्टीशन बाई तुमने कंट्री पे कर दिया, तो जितनी भी कंट्रीज तुम्हारे लिस्ट में होंगे, उस टेबल में होंगे, सबके नाम से एक एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इंडिया का एक अलग क्रिएट हो जाएगा, पाकिस्तान का अलग क्रिएट हो जाएगा, यूएस का अलग क्रिएट हो जाएगा, और जितने कस्टमर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उस फोल्डर में चले जाएंगे, जो कस्टमर तुम्हारे यूएस से बिलोंग करते हैं वो उस फोल्डर में चले जाएंगे। अब इन फ्यूचर जब तुम उस पर रैंडमली एक्सेस करना चाहोगे किसी कस्टमर का डिटेल, तो तुम्हें सारे फोल्डर्स को ढूंढने की जरूरत खत्म हो गई। अब तुम्हें पता है भाई इंडिया के कस्टमर का ही डिटेल मुझे चाहिए, जैसे ही जो भी तुमने कंडीशन दिया, इंडिया दिया, पाकिस्तान दिया या यूएस दिया, हम सिर्फ उसी फोल्डर को हिट करेंगे। तो हमारा एक्सेस टाइम, टर्न अराउंड टाइम वो काफी कम होगा। तो ये सब
इफिशियंसी बढ़ा देता है। इसीलिए मैनेज करना क्लाउड एनवायरनमेंट में सबसे प्रायोरिटी पे होता है। ये करना, ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे। तुम्हें भी पता है, तुमने भी 50 बार फोल्डर क्रिएट किया होगा अपने लैपटॉप में, लेकिन वही फोल्डर वहां पे कहाँ क्रिएट करना है वही सीख रहे हैं हम लोग, मैनेज करने का तरीका है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो चलो ठीक है, तो हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर हमें एक कंटेनर तैयार करना। तो स्टोरेज अकाउंट अभी क्रिएट नहीं हुआ, ट्रायल है कौन कौन सा, ठीक है स्टैंडर्ड पे ही चलो। नेक्स्ट टेस्ट एपीआई डिफॉल्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, आइडेंटिकल। देखो अब ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे। इसमें क्या लिखा है सब कोई पढ़ो अपने मन। देखो ये हायरार्किकल नेम स्पेस अलाउ करता है हमारा डेटा लेक स्टोरेज जेन 2। इसके कई फायदे हैं, ब्लॉब और डेटा लेक में यही फर्क है कि ब्लॉब भी स्टोरेज है डेटा लेक भी स्टोरेज है, लेकिन ब्लॉब जो है सिर्फ और सिर्फ फाइल को कंटेन करता है, सिर्फ फाइल को रखता है, जबकि डेटा लेक जो है वो फाइल और फोल्डर्स दोनों को रखता है। एक और डिफरेंस है, ब्लॉब जो है वो हायरार्किकल ऑर्डर अलाउ नहीं करता, वेयर एज डेटा लेक allows hierarchical order और storage। hierarchical order कहने का मतलब है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लो, वो एक ट्री बना के दे देगा तुम्हें, तो उससे मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। इसीलिए ये hierarchical enable hierarchical name space ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको टिक कर, बाकी सब तो नॉर्मल भी रखने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, इंक्रिप्शन टैग्स ये क्या है, ब्लॉग ब्लॉग एंड फाइल्स एनेबल कर सकते हैं। ठीक है क्रिएट पे आ गया, इनिशियलाइज ये डिप्लॉय हो रहा है। क्या नाम है इसका, डेटा स्टोरेज अकाउंट 1 यही बनाना। अब हमें इसके अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा स्टोरेज अकाउंट 1 क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा कंटेनर। अब कंटेनर के बारे में देखते हैं, पहले ये बन जाए। डिप्लॉयमेंट स्टेज में देखो डॉट डॉट दिखा रहा है, एक्टिव स्टेट में सक्सेस। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, देखो इसके अंदर ये अब यहाँ से तुम ऑप्शन तुम्हारे पास है कि कंटेनर्स बनाना चाहते हो या फाइल शेयर्स बनाना चाहते हो या क्यूज बनाना चाहते हो या टेबल्स बनाना चाहते हो, है ना। जो चाहो तुम यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। हम लोग बनाना है कंटेनर प्लस कंटेनर। अब नाम बताओ क्या कंटेनर, कंटेनर का नाम बताओ भाई। सेल्स 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 कंटेनर, हाँ सर सेल्स कंटेनर से रहेगा। कंटेनर 1 सब में 1 1 लगाते आ रहे हैं, तो यही
ठीक है, प्राइवेट नॉन एनोनिमस एक्सेस, ये तुम्हारा डेटा है ना सेल्स कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर तुम जाके फोल्डर बनाओ, तो फोल्डर बनाओ। अब इसके अंदर देखो ऐड डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा। पहला डायरेक्टरी क्या है तुम्हारा, स्टेजिंग क्या है, डिस्कार्ड का एंड प्लेसमेंट का। सबसे जो होम डायरेक्टरी है वो कौन सा है तुम्हारा, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट कर, प्लेसमेंट ये बन गया। फिर एक और क्रिएट कर दो स्टेजिंग का, ये भी बन गया। फिर क्या था, डिस्कार्ड का, ये सारे फोल्डर्स तुम्हारे बन गए इसके अंदर। तो हमारे फोल्डर्स क्रिएट हो रहा। तो मैं समझता हूं कि सबके पास एजोर का एक्सेस है। यस सर।